पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बिलारी कोतवाली के थंदवला गांव में मोटर मैकेनिक गुलाम सवीर की 20 वर्षीय पत्नी बब्बो की गला घोटकर हत्या कर दी गई, जबकि मृतिका के ससुराल वालों ने बब्बो के पति और अन्य ससुराल वालों पर दहेज की मांग को लेकर गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगाया। मृतिका बब्बो की शादी 6 माह पहले थंदवला गाँव निवासी अनवर हुसैन के बेटे गुलाम सवीर से हुई थी। बब्बो का मायका थाना पाकवाड़ा भाडली गांव का है। बब्बो के पिता का नाम जाकिर हुसैन है। बब्बो कुल 9 भाई बहन हैं। इस मृतिका बब्बो की मां की मौत उसकी शादी के 15 दिन पहले हो गई थी। पता चला है कि मृतिका बब्बो अपने पति के साथ बीते शब्बे बारात के त्योहार पर अपने मायके चली गई थी। मायके वालों ने बताया कि वहां पति पत्नी में काफी अच्छा माहौल था। मृतिका के पिता जाकिर हुसैन का आरोप है कि पहले बब्बो की तबीयत खराब होने की सूचना दी गई। बब्बो की ससुराल पहुंचे तो उन्होंने उनकी बेटी को नहीं दिखाया और अस्पताल में ले जाने की बात कही गई। मंगलवार की सुबह जब मायके से तमाम महिला पुरुषों के पहुंचने पर बब्बो का पति गुलाम सवीर और सभी ससुराल वाले घर से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली बिलारी के प्रभारी निरीक्षक कमरूल हसन खां और हल्का दरोगा देव सिंह आदि पुलिस कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। गांव में मृतिका के घर महिलाओं की भारी भीड़ जमा है। हालांकि कुछ लोग चाहते हैं कि समझौते के जरिए मामला निपट जाए, लेकिन मृतिका के मायके वालों ने स्पष्ट कहा है कि बब्बो की गला घोटकर दहेज की मांग को लेकर हत्या की गई है और वह उसके दहेज लोभी ससुरालियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी जा रही है। जी मृतक है कौन है आपके? फादर, बाप। तो क्या मामला हुआ है? कुछ नहीं, रात 3 बजे मेरे पास कॉल करी थी, 3:30 बजे में, 3:30 बजे कॉल करी मेरे पास, 4:10 में यहाँ आ गया, बोले तभी थोड़ा मैं पहुँचा था तुम आ जाओ। मैं यहाँ आया तो पता लगा कि मुर्दाबाद लेके कहाँ हो, क्या मुर्दाबाद पहुँच गए। मैं मुर्दाबाद पहुँचा तो वहाँ से पता लगा कि घर लेके आ रहे हैं, क्या नूरपुर है। फिर वहाँ से घर निकल गया, घर से आया तो लड़की मरी हुई थी, बाद में फोन करा लड़की खत्म हो गई। आपको क्या लगता है? मेरे को क्या लगता है, सबको दिख रहा सर, इसमें मारूंगी। किसने मारी होगी? किसने मारी है? लड़के के भाई का या बाप का हाथ हो सकता है, लड़के का हाथ, किसका हाथ? मेरे सामने थोड़ी कोई आया, जो बताते ही तो बहुत दिनों से नाटक चल रहा था इनका। कोई दहेज की मांग चल रही थी क्या? था उसकी मांग चल रही थी। क्या मांगती दहेज? गाड़ी मांग रहे थे, 1,00,000 रुपये मांग रहे थे। तो आप तो घर पर कोई मौके पर मौजूद मिला? आपको पैसे भी नहीं मिला? मुझे सब भाग गए। तो आपका मानना है कि दहेज की मांग पूरी ना करने पर? और क्यों, और क्यों हुई है ये? साहब इनकी डिमांड पूरी ना कर सके। क्या डिमांड थी ये तो खुलकर बताया नहीं उन्होंने। आए दिन झगड़ा ही रहता था, बुलाने में, ले जाने में, लाने में। अच्छा, पहले कभी कुछ शिकायत हुई थी? हाँ, आए दिन झगड़ा होता था वहाँ पे, जब भी बुलाने गए हैं वहाँ रहे हैं, झगड़ा हुआ हर बार। कितने कितने शादी कितने दिन हो गए हैं? करीब 7 महीने लगभग। अच्छा, तो अब कब से झगड़ा चल रहा था? झगड़ा की 4-5 दिन पहले आई हैं गाँव से। और आप इस, आपको सूचना किस द्वारा दी गई थी, कब दी गई थी? कल सूचना दी, तबीयत खराब होने की, बार बार फोन करके पूछने का, बताओ तो बात कराओ हमारी, बताएं नशे में पड़ी, अभी दवाई खाई है इन्होंने, आपसे बात नहीं कर सकती। 2 घंटे बाद फिर फोन किया, फिर इन्होंने कहा अभी दवाई में डॉक्टर ने मना किया है, सो रही है अभी, अभी बात नहीं कर सकती। गले पे कोई निशान? हाँ, गले पे निशान है, नीले निशान है गले पे।